15 तारीख और 16 तारीख हमारा प्लेनरी सेशन है टिपरा मोथा का। कल और परसों हम लोग पूरे त्रिपुरा से डेलीगेट्स आएंगे और हम लोग बात करेंगे कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन, पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा ठीक करने के लिए और पार्टी को जमीन से ऊपर लाने के लिए कैसा स्ट्रेंथन कर सकते हैं। हम लोग अब सब जोनल कमिटीज बनाएंगे, और हम लोग अपने पार्टी को और जमीन से जोड़ने की कोशिश करेंगे। मैंने देखा है कि अगर पार्टी में हर 2-3 साल में नया आप जान नहीं डालोगे, अगर आप नए लोगों को चांस नहीं दोगे तो पार्टी थक जाता है, पार्टी आलिस हो जाता है। तो पार्टी को अगर एक्टिवेट करना है, पार्टी को अगर जान डालना है, पार्टी में जोश डालना है, यूथ को चांस देना है, महिला को चांस देना है, सीनियर्स को चांस देना है, तो ये अधिवेशन बहुत जरूरी था। इसके बाद नया कमिटीज बनेगा, सब जोनल कमिटीज बनेगा, ब्लॉक कमिटीज को हटाकर हम लोग अब जोनल स्टार्ट करेंगे। पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन सबको दिया जाएगा और हम आने वाले दिन में अपना ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का मूवमेंट को कैसा और स्ट्रांग कर सकते हैं, अपना अधिकार का जो अपना राइट्स का बात है उसको कैसा स्ट्रांग कर सकते हैं। जो गलती IPFT ने किया वो गलती हमको नहीं करना है। इसके लिए हमें ये सब डिस्कशन होना चाहिए, फ्री एंड फ्रैंक डिस्कशन होना चाहिए, करप्शन के ऊपर डिस्कशन होना चाहिए। मैंने सुना है कि कहीं कहीं जगह में करप्शन बहुत है, उसको हटाने के लिए डिस्कशन होना चाहिए। परिवार बनकर डिस्कस करके जो भी गलत चीज है पार्टी में उसको बाहर फेंक कर हमें पार्टी को तिपरासा के लिए बनाना है। त्रिपुरा मोथा सिर्फ पार्टी नहीं है, तिपरासा के लिए बना है। त्रिपुरा मोथा तिपरासा के लिए बना है। तो जब तक त्रिपुरा मोथा तिपरासा के लिए बात करेगा त्रिपुरा मोथा जिंदा रहेगा। जिस दिन हमने अपना तिपरासा को पीछे छोड़ा और अपने स्वार्थ के बारे में बात किया तो ये मोथा भी नहीं रहेगा। इसी के लिए पार्टी को ये समझाना है, लीडर्स को ये समझाना है कि करप्शन से दूर रहो और कम्युनिटी के साथ रहो। पावर आए या ना आए कम्युनिटी के साथ वफादारी दिखाओ और आने वाले दिन में ग्रेटर त्रिपुरा का जो हमारा आंदोलन है उसको हम लोग कैसे और स्ट्रांग करें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर प्रेशर डाले, ये हमारा डिस्कशन है। हम पार्टिसिपेंट के लिए क्या क्या व्यवस्था किया गया है यहाँ में? सबके लिए रहने का, जो जो दूर से है उनके रहने के लिए खाने का व्यवस्था किया गया है। ऐसा पहले अधिवेशन नहीं हुआ है, कोई भी आंचलिक पार्टी नहीं करता है, सिर्फ नेशनल पार्टी करता है, लेकिन हमने ये सब किया है यहाँ में। उनका रहने का, उनका बाथरूम हो, उनका खाने का, उनका ब्रेकफास्ट हो, उनका डिनर हो, उनका लंच हो, ये सब पूरा व्यवस्था हमने किया है। और हम चाहते हैं कि हर डेलीगेट जो आए वो पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन वापस लेके जाए कि वो भी अपने गांव में समझा सके कि ये पार्टी क्या है और हमारा उद्देश्य क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट। मैं सोच रहा हूँ अराउंड 3000 3000। थैंक यू।